हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर कैलकुलस, ठीक है। और इसमें हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देन फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो सेकंड चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास गिवन है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 एक्सरसाइज, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। प्लस वन प्लस टू में आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर चुके हो। देन यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं एंड नेथ ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसके गिवन है वो सिंपल डेरिवेटिव्स आपको फाइंड आउट करना है। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन फाइंड डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना है। देखिए वाई दे रखा है हमें फंक्शन ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। यू बाई वी मेथड अप्लाई होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन वी स्क्वायर मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। दिस इज एज इट इज, वन का डेरिवेटिव सॉरी एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करते हैं, देन टू टाइम वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड बेस का करेंगे, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन दिस माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये एलसीएम टर्म आ जाएगी और एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन वी कैन राइट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में आएगा जो हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेंगे इसके और इसके मल्टीप्लाई, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर कैंसिल। देन वन अपॉन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। जो आपके इसको आप ऐसा लिखिए, इसको मैंने लिख दिया वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, ठीक है। ऊपर ले जाते हैं पावर नेगेटिव हो जाएगी, देन डेरिवेटिव करते हैं, देन पावर आगे माइनस 3/2, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक माइनस करते हैं माइनस 5/2 इंटू बेस का डेरिवेटिव करो माइनस 2x, वन का जीरो एंड माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 2x। टू से फिर से टू कैंसिल, माइनस एंड माइनस इज अ प्लस, दिस इज द 3x डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। इसको जो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए थर्ड डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। यहाँ पे u इंटू v अप्लाई करना पड़ेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। डेनोमिनेटर के हम करते हैं स्क्वायर, देन डेनोमिनेटर एज इट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इंटू 3x का डेरिवेटिव करो, दिस इज 3x का 1 हो जाएगा माइनस 3x एज इट इज एंड डेरिवेटिव करेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, 5/2 पावर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक पावर माइनस करेंगे 3/2 एंड बेस का डेरिवेटिव करते हो माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल एंड ये माइनस इसको प्लस बना देगा बिकॉज सॉल्व करते हैं इसको, 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 एंड 2 से 2 कैंसिल, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 5 इज अ 15 एक्स स्क्वायर एंड इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, पावर 5। कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 5/2 में से 3/2 कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग फैक्टर इज अ
वन पावर रह जाएगी, प्लस थ्री बाई टू प्लस वन रह जाएगा फाइव बाई टू होता है, एंड यहाँ से 15x2, एंड ये पोर्शन हमारा कॉमन आ गया है, 1 - x2 की पावर 5। आप इसको अपॉन में लेके आएंगे, डेनोमिनेटर पे आके जो बेस सेम है यहाँ पे, 5 में से पावर माइनस हो जाएगी, देन मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, 3 - 3x2 + 15x2 / 1 - x2 की पावर 5 पावर ये है, और माइनस हो जाएगी 3/2, दिस इज 7/2, दिस इक्वल टू 3 + 15 में से 3 माइनस करेंगे 12x2, 1 - x2 की पावर 7/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सेकंड इज y इक्वल टू 1 + x² अंडर रूट, प्रूव दैट d4y / dx4, इट मीन्स आपको फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट देखिए dy/dx हम निकालते हैं, देन अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट यानी कंप्लीट 1 + x², देन हम बेस का करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x² का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x². सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, u/v मेथड अप्लाई कर सकते हो, 1 + x² लेके चलेंगे अंडर रूट का, देन दिस इज एज इट इज 1 + x² इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ एक्स एज इट इज एंड अंडर रूट ऑफ 1 + x² इंटू 2x। ठीक है, हम डेरिवेटिव करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 + x² का, देन 1 / 2√1 + x² एंड बेस का करेंगे 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, देन दिस बिकम्स 1 + x² - x² डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + x² एंड ये इसका स्क्वायर करते हो, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 1 + x². ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ से, 1 + x² मल्टीप्लाई होएगा, अंडर रूट कैंसिल एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा x² एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस 1 + x² की पावर 1/2 यहाँ से एंड 1 पावर यहाँ से 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेते हो देन इसके और जब के पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, x² ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ से, x² से x² कैंसिल, देन दिस इज इक्वल टू 1 / 1 + x² की पावर 3/2। ठीक है, देन इसको हम लिख सकते हैं 1 + x² की पावर -3/2, दिस इज आंसर ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ डूइंग थर्ड डेरिवेटिव, d³/dx³, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, देन पावर आगे -3/2, 1 + x² की पावर 1 माइनस करेंगे, -5/2 हो जाएगा एंड बेस का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, 3x डिवाइड बाय 1 + x² की पावर 5/2, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है कुछ कुछ वैसा सा ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देन दिस इज, वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है बट डेरिवेटिव्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं आपको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसका फिर से करना है आपको डेरिवेटिव, एंड ये फिर से u/v अप्लाई करेंगे, 1 + x² की पावर 5/2 एंड इसका करते हैं हम स्क्वायर, u/v, v स्क्वायर होता है, देन कंप्लीट का स्क्वायर, 1 + x² 5/2, v इज एज इट इज, 3 बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस x एज इट इज एंड डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे 5/2 पावर 1 + x² की पावर आ जाएगी यहाँ से 3/2, 1 माइनस करेंगे एंड बेस का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3 × 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है यहाँ पे, 1 + x² की पावर 5/2 एंड इसको सॉल्व करते हैं, 5 × x² मीन्स 5x² 1 + x² 3/2 डिवाइड बाय 1 + x² यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, पावर की पावर मल्टीप्लाई, ये पावर आ जाएगी 5। नाउ कॉमन निकाल लीजिए,
फाइव कॉमन निकाल लें। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम यही वो हो जाता है, उसमें भी हमने कॉमन लिया था लास्ट में, 3/2 पावर कॉमन लेंगे। यहाँ से रहेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर 1 बच जाएगी, एंड माइनस 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। दिस इज इक्वल टू, इससे आप बेस सेम है, पावर माइनस करेंगे एंड इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 5 में से 3/2 माइनस करेंगे, देन वही 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस की मिस्टेक कैसे आ रही है भाई? ओ माइनस हमने यहाँ से छोड़ दिया, थर्ड डेरिवेटिव ये जो आपके पास आएगा, माइनस का चल रहा था ना ये माइनस, देन आप माइनस अप्लाई करते जाएंगे, माइनस बाहर माइनस चल रहा है दस, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2 विच इज प्रूव्ड, फोर्थ डेरिवेटिव हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 10x, y इक्वल टू 10x, ये हमें गिवन है, हमें इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एंड d4y/dx4। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, देखिए यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं, जो dy/dx है मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम लिखेंगे y1, सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx2 दिस इज y2। ठीक है, तो फिक्स में हम 1, 2, 3 इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, d3y/dx3, थर्ड डेरिवेटिव को आप लिख सकते हो y3, सेम टू सेम y4, y5। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें y4 यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए, यहाँ से 10 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर एक्स, y2 सेकेंड डेरिवेटिव 2 secant x, पावर आगे आ जाएगी 2 secant x, एंड secant x का करेंगे secant x इंटू tangent x, 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x, secant स्क्वायर एक्स को हम वापस 10 में चेंज करेंगे, 2 × 1 + 10² x इंटू 10x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x + 10³x। ठीक है, इसको आपको जो 10 में ब्रेक करना है ताकि हमारे पास एक ही फंक्शन रह जाए और डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड डेरिवेटिव y3, 2 कॉन्स्टेंट बाहर चल रहे हैं, 10 का हो जाएगा secant स्क्वायर x प्लस 10³ इज 3 tan² x इंटू टेंजेंट का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। ओके, बेस का पहले आप पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो बेस है यानी 10x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर से आप 10 में चेंज कर लीजिए, 1 + 10² x प्लस 3 tan² x इंटू 1 + 10² x, 2 × 1 + 10² x, इसके मल्टीप्लाई करते हैं, 3 tan² x प्लस 3 10 की पावर 4x, दिस इज 2 × 1 + 10² एंड 3 tan² इज 4 tan² x प्लस 3 10 की पावर 4x। ओके, नाउ फोर्थ डेरिवेटिव देखिए, y4, 2 मल्टीप्लाई में बाहर रखिए, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, देन 4 × 10² x 8 10x, पहले आप पावर का डेरिवेटिव देन बेस का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, नेक्स्ट इज अ 3 tan² x, दिस इज प्लस 12 10³, 3 पावर रह जाएगी एंड 10 का करते हैं तो secant स्क्वायर x, 2 × 8 10x 1 + 10² x प्लस 12 × 10³x एंड मल्टीप्लाई बाय 10² x। ओके, नाउ
मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, 16 2 की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 10x, 1 के साथ करेंगे तो 8 and 2 इज 16 10x, प्लस 8 into 2 16, तो यहाँ पे ही हो गया, एंड 10 3x, प्लस 12 10 3x, 2 की मल्टीप्लाई पहले 12 से, 24 10 3x, 1 के साथ किया हमने, फिर 24 10^5, 3 power and 2 power इज 5. नाउ 24 10 5, 5 power, इसके बाद हम 3 power लेते हैं, दिस इज 40 10 3 प्लस 16 10x, दिस इज द 4th डेरिवेटिव ऑफ 10x. If y equal to log x by x, then show that second derivative 2 log of x minus 3 upon x cube होना चाहिए. सबसे पहले आप first derivative find out कीजिए, u by v apply करेंगे, x square, x as it is, log x का derivative 1 by x, minus log of x as it is, and x का derivative 1 हो जाएगा. x से x cancel, 1 minus log of x divided by x square. Now, second derivative is, फिर से u by v अप्लाई करेंगे, x square की पावर 2, x square as it is, 1 का डेरिवेटिव इज 0, एंड दिस इज माइनस 1 by x, log of x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, माइनस 1 माइनस log of x as it is, एंड x square का डेरिवेटिव करते हो 2x आ जाएगा. ओके, एक x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर इज माइनस x, एंड हेयर माइनस 2x ओपन कर लेते हैं, माइनस 2x माइनस चल रहा है, एंड प्लस 2x log of x डिवाइड बाय x रेज टू पावर 4. x थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, तो हम न्यूमरेटर में से कॉमन लेके चलेंगे, माइनस 1, एंड ये हो जाएगा माइनस 3 डायरेक्टली, माइनस x माइनस 2x, एंड x हमने कॉमन ले लिया माइनस 3, प्लस x कॉमन आ गया 2 log of x डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4. एक x से पावर कैंसिल करेंगे, 3 power रिमेनिंग, एंड यही आपको प्रूव करना है, 2 log of x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, दिस इज द रिमेनिंग फैक्टर. इज y इक्वल टू 10x प्लस सेकेंड x, प्रूव दैट सेकेंड डेरिवेटिव इज cos x अपॉन 1 माइनस sin x का स्क्वायर. y दे रखा है आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, 10 का डेरिवेटिव होता है secant square x, एंड secant x का डेरिवेटिव secant x इंटू 10x. यहाँ से आप डायरेक्टली पहले तो आप निकाल लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव, बाद में चेंज करेंगे साइन कॉस में, दिस इज 2 secant x पावर आगे आ जाएगी secant x, एंड secant का बेस का डेरिवेटिव करते हैं, दिस इज secant x इंटू 10x, प्लस ऑफ यू इन टू वी अप्लाई कीजिए, सेकेंड एक्स एज इट इज, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस 10x एज इट इज, एंड सेकेंड का डेरिवेटिव इज सेकेंड इंटू 10x, दिस इज इक्वल टू, ओपन कर लेते हैं, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10x, प्लस सेकेंड क्यूब एक्स, प्लस secant 10 square into secant x, क्योंकि हमें आंसर चाहिए sin cos में, तो अब हमें इनको चेंज करना पड़ेगा sin एंड cos में, 2 upon cos square and tangent को sin x by cos x में चेंज कर लेते हैं, प्लस 1 by cos cube x प्लस sin square x upon cos square x into 1 by cos x. ओके, अब यहाँ से देखिए cos cube एंड मल्टीप्लाई करेंगे cos cube, LCM ले लेते हैं, LCM आ जाएगा cos cube x, देन 2 sin x प्लस यहाँ से 1 प्लस sin square x, इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ दिस इज 1 प्लस sin x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, ओके, डिवाइड बाय
कॉस क्यूब एक्स। नाउ हमें क्या चाहिए, देखिए अपॉन में चाहिए 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। अगर हमें अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ इस टर्म का भी स्क्वायर एंड ये भी स्क्वायर, देन इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और कंप्लीट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों टर्म, समझ गए, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, देन हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को एक बार रख दिया। ओके, एंड यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, अपॉन में चल रहा है कॉस क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाइए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड भार स्क्वायर चल रहा है डिवाइड बाय ये एज इट इज चलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर यहाँ से और टू पावर यहाँ से, यह आ जाएगा कॉस की पावर 4 डिवाइड बाय कॉस क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। 4 पावर से क्यूब कैंसिल कर दीजिए, देन दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर विच इज 4। ये आपको प्रूव करना था सेकंड डेरिवेटिव दिस। क्वेश्चन इज इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा देन आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। दीज आर द पैरामेट्रिक फंक्शन, एक्स थीटा का फंक्शन वाई थीटा का फंक्शन, बट हमें डेरिवेटिव करना है वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। ओके, देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, डी एक्स बाय डी थीटा, यानी एक्स का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हैं बिकॉज एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे बी कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। नाउ हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ओके, बट हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी थीटा एंड डिवाइड डी थीटा, कोई चेंज नहीं आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ही टर्म है। नाउ डी वाई बाई डी थीटा, इसको और डी वाई बाई डी एक्स दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू आपके पास है डी थीटा बाय डी एक्स की, इसको रिवर्स कर देंगे यहाँ से आ जाएगी, या फिर इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। अगर हम इसको डिवाइड में लेके जाए तो ये रिवर्स हो जाता है, मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको उल्टा करके लिखते हैं मल्टीप्लाई में डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, नाउ वैल्यूज पुट कीजिए एंड फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी थीटा इज अ बी कॉस थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा इज अ माइनस ए साइन थीटा, दिस इज माइनस बी बाई ए कॉस बाय साइन इज अ कॉट थीटा। आपको क्या चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारा थीटा में है बट डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉट थीटा का कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉसिकेंट, अब हम थीटा का डेरिवेटिव करते हैं ये आ जाएगा थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, समझ गए। तो जैसे ही आप पैरामेट्रिक फंक्शंस में सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, कई बच्चे जो इस फैक्टर में बहुत मिस्टेक करते हैं यानी ये फैक्टर लिखते ही नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करते हो तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स चल रहा है। माइनस बी बाई ए माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा एंड इसको हम रिवर्स कर देंगे यानी कि माइनस ए अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए स्क्वायर, साइन को आप कॉसिकेंट में चेंज कर दीजिए कॉसिकेंट क्यूब थीटा या फिर कॉसिकेंट को साइन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, देन सेकेंड डेरिवेटिव आंसर आ जाएगा दिस।
क्वेश्चन सेवन्थ, इफ एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकाल के हमें थीटा की वैल्यू पाई बाय टू रख के सॉल्व करना है। देन सबसे पहले तो हमें, क्योंकि एक्स थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन है, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव वन बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, ए इंटू वन का डेरिवेटिव ज़ीरो एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने बताया था, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू रखिए माइनस ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा। नाउ डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस टर्म एज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, जो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कीजिए। देखिए साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, एंड वन प्लस कॉस थीटा को लिखोगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको ही सॉल्व करके मेरे पास ये आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्लियरली आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ओके, देन टू से टू कैंसिल, कॉस एक पावर से कॉस कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा बाय टू, शॉर्ट फॉर्म बन गया हमारे पास। अब हम करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय टू। ओके, एंड थीटा जो एंगल है इसका डेरिवेटिव करते हो वन बाय टू आ जाएगा, एंड थीटा का डेरिवेटिव करेंगे डी थीटा बाय डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप सेकंड डेरिवेटिव करते हो पैरामेट्रिक फंक्शंस का, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे हमारे पास थीटा में फंक्शन है, देन डी थीटा बाय डी एक्स आ जाएगा। दिस इज माइनस हाफ सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय टू, एंड डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, वन अपॉन रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू है डी एक्स बाय डी थीटा की, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए एट पाई बाय टू, जहाँ जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे आप पाई बाय टू रख दीजिए। ठीक है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, देन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, माइनस वन बाय टू सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी थीटा बाय टू हमें गिवन है और हमें रखना है पाई बाय टू, ये आ जाएगा पाई बाय टू इंटू वन बाय टू, देन पाई बाय फोर, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे एंगल है थीटा बाय टू, एंड वन अपॉन ए इंटू वन प्लस कॉस पाई बाय टू, एंड कॉस पाई बाय टू इज ज़ीरो। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस हाफ सीकेंट स्क्वायर पाई बाय टू, सीकेंट पाई बाय टू कितना होता है रूट टू, एंड स्क्वायर गिवन है, इसका स्क्वायर कर दीजिए आ जाएगा यहाँ से टू, सीकेंड स्क्वायर पाई बाय फोर है, सीकेंड स्क्वायर पाई बाय फोर वैल्यू आ जाएगी रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सीकेंड पाई बाय फोर इज अ रूट टू, एंड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से देखते हैं कॉस पाई बाय टू जीरो, वन अपॉन ए यहाँ से आ जाता है, टू से टू कैंसिल, माइनस वन बाय ए इज योर आंसर। देन इसके बाद नेक्स्ट जो एट्थ क्वेश्चन है, एज इट इज सेवन्थ की तरह ही आपको ट्राई करना है, एज जो इसमें पाई बाय टू रख के सॉल्व करना है, एट्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मेन समय थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप इसको खुद करना, अगर सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करवा देंगे। तो अब यहाँ पर आठ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कवर करेंगे।